जगह पर खड़े हैं जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रहा। ये आप जो एक्सप्रेसवे देख रहे हैं इसको कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यानी जो भी सरकार, यानी मौजूदा सरकार की बात करें तो उस वक्त कह रही थी, यानी अपने आप को क्रेडिट दे रही थी कि इसको हमने बनवाया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव ने कहा था कि ये हमारे दौर यानी उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसकी वीडियो अब क्यों बना रहे हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि इस वीडियो की या इस पूर्वांचल एक्सप्रेस की चर्चा अब हम कर रहे हैं। दरअसल आप दिखाते हैं कि आम जनता और उसके बाद जो फोर व्हीलर या जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं उनमें फ़र्क क्या है और सरकार कैसे फ़र्क डालती है। आप दोनों साइड देख लीजिए। सबसे पहले आप इस साइड देखिए, ये आप अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टोल प्लाजा, जिसको अगर हिंदी में कहें तो ये लूटपाट केंद्र है, यहीं से आपको लूटने की शुरुआत की जाती है। आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि रोड के इस साइड भी एक लूटपाट केंद्र बना हुआ है। ये टोल प्लाजा हमेशा से, जिस तरह सा आप देख सकते हैं कि आप अगर एक्सप्रेसवे पर चलते हैं तो किस तरह से आपके जेब से धन उगाही की जाती है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जिस तरह से जब पुलिस वाले किसी गुंडे को पकड़ते हैं तो कहते हैं कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। यही हाल है बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का कि जहां पर आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं कि आप किसी भी तरीके से यहां से निकल नहीं सकते बिना पैसा दिए हुए। दो टोल प्लाजा हमने आपको इस साइड पर दिखाए हैं और दो टोल प्लाजा रोड के उधर हैं, यानी दोनों तरफ से अब आप अगर इस पर चलते हैं, आप अपनी महंगी गाड़ियों से इस पर चलते हैं तो आपको पैसा देना होगा। यानी आपके ही पैसे से, आपके ही बनाए हुए लोगों के, जब वहाँ पर जब पारित होता है, जब पास किया जाता है एक्सप्रेसवे, जब रोड के लिए एक पूरा मैप बनता है तो वो सारी चीज़ें जनता के ही पैसों से होती है। उसके बाद भी जब ये बनकर तैयार हो जाती है फिर भी हर बार जनता के पैसों से ही इस पर पूरा, जिस आपने देखा होगा नितिन गडकरी का कई बार बयान आया है कि भैया आपके ही पैसे से लिए आपको ही ये फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। फिर जब हम गाड़ियां खरीदते हैं और तमाम चीज़ें खरीदते हैं उसमें फिर टैक्स क्यों लिया जाता है। अब सबसे पहले हम बातचीत करेंगे एक बोर्ड के बारे में कि यहाँ पर देखिए रेट लिखा हुआ है कि इतने इतने में आपको इस पर चलने का मौका दिया जाएगा, इतने किलोमीटर आप चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी तक आपने देखा होगा सबसे पहले ऊपर देखिए टू व्हीलर और ट्रैक्टर, यानी ये कृषि प्रधान देश है, यानी अब आप जब ट्रैक्टर को खेतों के बजाय आप रोड पर ले जाएंगे तो भी आपको पैसा देना होगा। यानी ट्रैक्टर और बाइक का भी अब यहाँ पर पैसा लगने लगा है, जो लूटपाट केंद्र हैं यहाँ पर तमाम लोग तैनात हैं। आप अगर इधर से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको पैसा देना होगा। यानी ये जो कह सकते हैं अपर क्लास या मिडिल क्लास से ऊपर वाले जो लोग हैं वो ही सिर्फ इस पर चल सकते हैं और उनकी सुविधा के लिए ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। अब इधर इस पर गौर कीजिए, ये है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण शुल्क से छूट प्राप्त गणमान्य व्यक्ति, यानी इन लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है। ये लोग अगर इस रोड पर सफ़र करते हैं, इस रोड से गुजरते हैं तो उनका पैसा एक भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले यानी जो लिस्ट है उसमें 16 लोगों की लिस्ट है। शुरुआत में देखें तो भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ राज्य के उपराज्यपाल, ये तो कुछ लोगों को चलिए ठीक है कि चूंकि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और हालांकि एक्सप्रेसवे पे इतना लंबा सफ़र कौन ये लोग करते हैं, चूँकि इन लोगों का चॉपर होता है, हेलीकॉप्टर होता है या फ्लाइट से जाते हैं। लेकिन और नीचे देखिए, भारत सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, राज्य की विधानसभा, यानी ये जो लोग हैं जिनको जनता चुनती है, जनता विधायक बनाती है, जनता सांसद बनाती है, फिर वो मंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, उनके लिए छूट है। यानी जनता ने जिस लायक उन्हें बनाया है वो उनके लिए छूट है। और जनता के लिए अगर वो बाइक से भी इस पर सफ़र करना चाहते हैं, बाइक से भी जाना चाहते हैं तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। अब ये कहाँ हो रहा है? हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में जो कृषि प्रधान देश है, ट्रैक्टर चलाने पर भी आपको पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे। दोनों तरफ से लूटपाट केंद्र है, उधर से भी है। अगर आप मान लीजिए कि कहीं से आ रहे हैं, 2-4 किलोमीटर भी आपको सफ़र करना है तो उसके लिए आपको इस पर पैसे देने पड़ेंगे। ये तो हो गई पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात, जिस पे अपर क्लास के लोग ज़्यादातर चलते हैं, जो लंबे रूट पर निकलते हैं महंगी महंगी गाड़ियों से।
अब हम आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे जिस पे आम लोग चलते हैं, जिस पे हम और आप जैसे लोग चलते हैं, बाइक से चलते हैं, रिक्शा से चलते हैं, टेम्पो से चलते हैं, सरकारी जो है जो संसाधन है बस हैं, सवारी जिस पर घूमते हैं उस पर हम आपको दिखाएंगे कि वो रोड कैसी है। यानी वो उस पर आपको जब पैसे नहीं पड़ते हैं तो इस वजह से रोड की हालत भी वैसे ही, हम आपको ले चलेंगे, वो रोड भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये हम कहीं और नहीं हैं, ये कहीं ऐसे पिछले राज्यों में नहीं है जहाँ पर ये हो सकता कि नहीं ये थोड़ा सा पिछड़ा राज्य है, ये हम उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ पर विकास के दावों की बात की जाती है। हम उस इलाके में हैं, ये अमेठी है, अमेठी के सांसद कौन हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी हैं, हम वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की यह ज़मीनी हकीकत है। आपको हम रोड दिखाएंगे कि रोड के क्या हालत है जहाँ पर हम और आप चलते हैं, जहाँ पर आम इंसान चलता है, और उसके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, ये आप देखिए और तय कीजिए कि सरकार क्या करना चाहती है। और आपके ही पैसे से रोड आपके लिए बनाती है, लेकिन आप उस पर चलने के लिए पैसे देंगे। और जहाँ पर लाखों लोग रोज़ाना पैदल चलते हैं, बाइक से चलते हैं, रिक्शा से चलते हैं, उसकी हालत क्या है। बारिश का टाइम है, स्विमिंग पूल का मज़ा लेना है, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे स्विमिंग पूल सड़कों पर बने हुए हैं। आभार व्यक्त कीजिए अपने सांसद का। तो इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से जो आपके द्वारा चुने गए नेता या मंत्री हैं उनके लिए रोड किस तरह बनाई गई है और आम जनता के लिए किस तरह से रोड बनाई गई है। ये एक छोटा सा आप उदाहरण देख लीजिए, ये सामने देखिए किस तरह से बेहतरीन सरकार की तरफ से स्विमिंग पूल का हाईवे पर इंतज़ाम किया गया है। ये मेन रोड है, ये अगर हम कहें तो ये इन्होना या फिर रायबरेली से ये फैज़ाबाद रुदौली होते हुए ये मेन रोड है। आप इन गड्ढों को देखिए कि किस तरह से, ये बड़ी रोड है, मेन रोड है, इस पर लाखों लोग रोज़ाना चलते हैं, इस पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन सड़कों पर देखिए किस तरह से गड्ढे हैं। बारिश का मौसम है तो इस वजह से गड्ढों में पानी भरा हुआ है, और ये यानी बाकायदा आपके लिए स्विमिंग पूल का इंतज़ाम किया गया है। आप इन रास्तों से होकर गुजरते हैं तो स्विमिंग पूल का पूरा एहसास यहाँ पर आपको कराया जाएगा। ये इंतज़ाम और कहाँ मिलेगा, ये इंतज़ाम आपके उत्तर प्रदेश में है, ये इंतज़ाम आपके अमेठी में है। और ये रोड जो है ये 2-4 किलोमीटर दायरे की अगर हम बात करें तो इसमें बाराबंकी भी लगता है और अमेठी भी लगता है, अमेठी का ज़्यादा एरिया है, और इसके अलावा ये आगे चल के फैज़ाबाद की रुदौली और उस तरफ फैज़ाबाद भी लगने लगता है, बीच में कुछ हिस्सा सुल्तानपुर का है। तो ये रोड है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम इंसान जिस पर हम और आप चलते हैं उन रोडों की क्या हालत है। और अभी जो हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाया है उस पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर मंत्री या नेता चलते हैं उनके लिए क्या है, और उस पर अगर हम चलने जाते हैं, किसान चलने जाता है, अगर वो ट्रैक्टर से कहीं जा रहा है, मान लीजिए किसी के 10 किलोमीटर दूर खेती है, तो उसके लिए उस पर पैसे देने पड़ेंगे। ये ई रिक्शा है, ये देखिए इस तरह से रोज़ाना यहाँ से किस तरह से गुजरते हैं। ये रोड की हालत देखिए और आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। ये लोग रोज़ाना यहाँ से इस तरह की चीज़ें झेलते हैं, लेकिन अब ये देखिए कि किन जगहों पर किन लोगों का विकास होता है, जहाँ ज़रूरत है रोडों की वहाँ पर रोड नहीं बनते। ये है आम जिंदगी, यानी आम लोगों की परेशानी, और उधर हमने दिखाया है जो अपर क्लास वालों के लिए सरकार जो बनाते हैं, जो जनता जनार्दन है, जिनकी वजह से सरकार बनती है, उनकी हालत ये है, उनके लिए रोड का इंतज़ाम ये है। अब आप खुद ही देखिए, आप तय कीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कितना विकास हो रहा है। जो दावा किया जाता है विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बहाई जा रही है, और उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर पर इतना विकास हो गया है कि अब उसकी तुलना पूरे अलग अलग राज्यों के जरिए की जाती है। ये एक जगह हम बीच में रोक के हमने सोचा कि आपको दिखाएं चुकी है, और इससे ज़्यादा भयावह स्थिति अलग अलग जगहों पर रोडों की है जहाँ पर ये बुरा हाल है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।